चलिए अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30 जो बहुत ही ईजी है, बट इस टाइप के सम्स को छोड़ के नहीं जाना होगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा हुआ है। यहाँ पर बोला द लोन डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन द एडिशन टू द होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टास्क। इट एस्टिमेटेड दैट 25% ऑफ द ओवर हेड कॉस्ट ऑफ द लोन डिपार्टमेंट आर एप्लीकेबल टू द प्रोसेसिंग ऑफ द होम लोन एप्लीकेशन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया कि लोन डिपार्टमेंट जो है बहुत सारा काम करता है, होम लोन भी उसका एक पार्ट है, जिसमें यहाँ पे 25% जो है ओवरहेड का जो कॉस्ट होता है वो प्रोसेसिंग फीस में लगता है। फिर बोला द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवेन फॉर कंसर्निंग द प्रोसेसिंग ऑफ द लोन एप्लीकेशन। इसके लिए हम लोग के पास दे रखा है कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट प्रोफेशनल लेवल में हम लोग के पास दे रखा है। पहले सबसे पहला जो दे रखा है यहाँ पे होम लोन प्रोसेसर मंथली सैलरी, तो ये हम लोग के पास गिवेन है, जिसमें 4 इंप्लॉई हैं और यहाँ पे 60,000 ईच करके। फिर यहाँ पे लोन डिपार्टमेंट ओवरहेड कॉस्ट में हम लोग के पास मंथली में दे रखा है, जहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग के पास यहाँ पे चीप लोन ऑफिसर सैलरी, उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का, फिर यहाँ पे लीगल एडवाइस का, फिर यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का, और यहाँ पे जो मिसलेनियस एक्सपेंस है वो देखा था। इस तरह से हम लोग के पास टोटल ओवरहेड कॉस्ट भी है। तो देखिए सबसे पहले जो लोन प्रोसेसिंग के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो तो हम लोग के पास ये गिवेन है, सबसे पहले जो था हम लोग के पास कि प्रोसेसर का जो सैलरी था वो तो सबसे पहला हो गया, और उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे क्या बोला था कि 25% जो ओवरहेड कॉस्ट है लोन डिपार्टमेंट का वो होता है प्रोसेसिंग ऑफ द होम लोन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इसका जो 25% है वो प्रोसेसिंग जो होम लोन होता है उसको प्रोसेस करने में कॉस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग के पास ओवरहेड हो गया 181,000 जो हो गया, इसका 25% प्रोसेसिंग में जाएगा। तो पहले हम लोग के पास प्रोसेसिंग का ये तो है ही, प्लस में 181,000 जो दे रखा उसका 25% भी हम लोग को इसमें ऐड होगा। तो ये तो समझ रहे हो, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए आगे क्या दे रखा है। आगे हम लोग के पास बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन ऑन द एजम्पशन दैट द 500 होम लोन्स, यहाँ पे दे रखा हम लोग के पास 500 होम लोन्स एप्लीकेशन वेयर प्रोसेस्ड ईच मंथ। तो यहाँ पे ईच मंथ में अगर 500 लोन का जो एप्लीकेशन यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, तो उसका यहाँ पे पर हिसाब से मतलब पर एप्लीकेशन प्रोसेस के हिसाब से कॉस्ट कितना होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना। तो देखिए सिंपली हम लोग के पास लोन का प्रोसेसिंग के बारे में पहला एक्सपेंस दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास ओवरहेड दे रखा था, बट इस ओवरहेड में से हम लोग को 25% ही प्रोसेसिंग में चार्ज करना है। तो ये हम लोग के पास कॉस्ट हो गया दोनों, और ये जो टोटल हो जाएगा उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 500 से, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 को। तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 13, जिसमें सबसे पहले हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। तो चलिए कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट में जो हम लोग के पास पहला कॉस्ट होगा क्या होगा, होम लोन प्रोसेसर सैलरी। तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रोसेसर सैलरी जो हम लोग के पास गिवन है, जो कितना गिवन है तो 2,40,000। यहाँ पे चले लेते हैं 2,40,000 का हम लोग के पास सैलरी सबसे पहले गिवन है। फिर जो हम लोग के पास नेक्स्ट है ओवरहेड का, हम लोग यहाँ पे चार्ज करना है प्रोसेसिंग फीस में चार्ज करना है। तो यहाँ पे सर्विस कॉस्ट जिसमें कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा 181,000 का। तो 25% इंटू 181,000 का ये कितना आ गया, इसका 25% जो आ गया ये आ गया हम लोग के पास 45,250 का। तो ये टोटल हम लोग के पास कॉस्ट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट जो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 240,000 को हम लोग जब इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 285,250। ये हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ गया, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो पूरे मंथ में यहाँ पे फाइल किया जाता है वो कितना, तो हम लोग के पास यहाँ पे गिवेन है 500, यहाँ पे एप्लीकेशन गिवेन है ना, ये देख लीजिए 500 हम लोग के पास एप्लीकेशन गिवन था ना, तो ये 500 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि एप्लीकेशन का जो पर लोन के पर एप्लीकेशन के हिसाब से जितना भी प्रोसेसिंग फीस होगा वो आ जाएगा हम लोग के पास इस केस में, जो आ जाएगा 570। तो यहाँ पे 570.5 ये हम लोग के पास क्या आ गया टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर लोन लोन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर लोन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे लोन एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पे जो प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गया ये हम लोग के पास आगे जो इलस्ट्रेशन 13 में, और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो